नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम छोटे बच्चे की शर्ट का तीरा कटिंग करके दिखाएंगे, जो कि 12 इसका कलर है, 12.5 इसका तीरा है और 24 इसका चेस्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कितनी चौड़ाई इसकी रखी जाएगी, कितना इसका गला का हाला जो है उसकी कटिंग होगी और जो है तीरा किस हिसाब से कटिंग होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे साइड में जो है सीधी लाइनिंग कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई की नाप आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। 24 को 8 से भाग करेंगे, भाग 8 से, 24 चेस्ट को 8 से भाग करेंगे, बना है हमारा 3 इंच। 3 इंच में आधा इंच का इधर मार्जिन, आधा इंच का उधर मार्जिन, तो इसमें प्लस कर देना 1 इंच, तो बना है 4 इंच। तो जो तीरा है वो 4 इंच बना है मेजरमेंट किसके हिसाब से। यही चीज़ मान लीजिए 26 है किसी का चेस्ट। अब देखिए मैं बताता हूँ, किसी का मान लीजिए 26 चेस्ट है, वो भी छोटी ही होगी, 26 चेस्ट है तो छोटी ही है, भाग कर देते हैं 8 से, तो बना है 3.25 इंच। अब इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो बना है 4.25 इंच तीरा, ठीक है ना। अब किसी की यही चीज़ 28 चेस्ट है और भाग कर देते हैं 8 से, तो देखिए 3.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस कर दिया, 4.25 इंच तीरा बना है। तो इस तरीके से ये है। तो इसका देखिए हमने कितना मेजरमेंट निकाला था, 24 का 4 इंच, 24 भाग 8 से 3 इंच और 1 इंच आधा इंच इधर का मार्जिन, मतलब नीचे का आधा इंच ऊपर का, तो बना है हमारा 1 इंच, तो 4 इंच बना है। अब देखिए इसको आप 4 इंच आराम से इसको रख देंगे, बहुत ही मतलब सही है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे कि मैंने बताया, तो छोटी शर्टें हैं उसमें आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं और इससे आप 2 सूत बढ़ा सकते हैं, 2 सूत आपको बढ़ा देना, या फिर आप उतना भी रख सकते हैं और 2 सूत बढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। तो 4.25 इंच यहाँ पर हमने तीरे को रख दिया। अब सबसे पहले हम नापेंगे अपना कॉलर, जो कॉलर है वो है 12 इंच, 12 में 5 से भाग कर देना है हमको, तो बना है 2.4, मतलब 2 इंच 4 सूत बना है। तो यही चीज़ हमको सामने में रखना होती है और यही चीज़ जो है बैक में भी रखना होती है, तो 2 इंच 4 सूत, यानी कि 1 सूत 2 सूत 3 सूत 4 सूत, तो 2.5 इंच में यानी कि 1 सूत कम यहाँ पर हमने निशान को लगा दिया। अब इसकी जो गहराई है वो कितनी रखना है, तो देखिए जितना भी आपने कंधी गिराई हो उतनी ही इसकी गहराई रखना है। अब देखिए इसकी जो सामने की कंधी गिरेगी वो गिरेगी 1.25 इंच, क्योंकि छोटी है इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, तो 1.25 इंच हमको इसको गिरा देना है। तो कंधी जितनी गिरेगी उतनी ही गहराई इसकी तीरे की भी, आपकी इसकी गले की गहराई भी उतनी ही रहेगी। अब यहाँ से तीरा नाप लेते हैं। तीरा जैसे कि है इसका 12.5 का जो हाफ हुआ है, ये रहा 12.5 का हाफ करेंगे, क्योंकि डबल है ये, देखिए कपड़ा डबल है ना, तो हाफ करेंगे, 6.25 इंच आया, 6.25 में और आधा इंच का हमको मार्जिन प्लस कर देना है, इधर जो मार्जिन जाएगा तो वो हो गया 7.25 इंच। इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच हम कंधी डाउन कर देंगे। तो फाइनली जी ये देखिए तीरे के जो निशान हैं वो हमारे लग गए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा तीरा कटिंग हो गया, 12 कलर का 12.5 तीरा, आधा इंच इधर दबेगा आधा इंच इधर दबेगा, तो देखिए 13.5 है, आधा इंच इधर दबेगा आधा इंच इधर, 12.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी कटिंग कर सकते हैं आप। और ये देखिए चौड़ाई, तो इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूरी कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।